अरे पलका में राखी बेटा, अरे पलका में राखी बेटा, हिबड़ा में राखी बेटा, गोदिया में राखी बेटा, प्यारो घनो राखी बेटा, लाडिलो में राखी रे। अरे बेटा अटी माँ की कहानी जा छोटो सो गोया कर दो तने गीला गुदड़ा में मैं सोती रहूं सूखा में तने सुला। सही बात है कि नहीं है? छोटा बेटा ने माँ खुद भी नहीं बिका गीला गुदड़ा में सो जाओ लेकिन बिने सूखा में सोवाया करे, तने दूध पाती, तने लाड लड़ाती, थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते काजल को टीको लगाया करती। और आज तू मन ही बारे कर रही हो बेटा सोच थोड़ो, बोले नहीं बुढ़िया रवाना भेजा। जद बुढ़िया की आंखें में आंसू आए, माँ रोने लग गई, ढल ढल आंसू पड़ने लग गया। माँ बोली, हे बेटा सब कुछ कर ले लेकिन थाऊ अलग मत कर, मैं जी नहीं पाऊंगा। तो माँ कहने लगी, हे बेटा, अरे आयो बुढ़ा को बेटा रे खारी थन लागू बेटा, बुरी थन लागू बेटा, आछी को नहीं लागू बेटा, बुरी थन कि मैं बूढ़ी वेगी 65 साल की उम्र वेगी माँ की,
माँ कहने लगी रे एक दिन थारे बिजली का आगे भागवा अगर काम करती तू ना अच्छी लागती, आज मैं काम नहीं कर सकू इन वास्ते तू मैंने बाहर निकाल लेके देख। 65 साल की हुए बाद भी वो माँ हिम्मत कर लेती है, बेटा अगर तू थारे सागे राख ले तो देख मैं थारा कितना काम कर ले। इतनी बूढ़ी हुए बाद भी वह माँ हिम्मत कर रही है इन वास्ते कि मैं मारे बेटा के साथ में रह जाऊं, मेरा 100 वर्ष मारा बेटा पोता के साथ पूरा भेजे। तो कहने लगी माँ हिम्मत बांध करके, अरे गा यहाँ चरा लू बेटा रे बछड़ा चरा लू थारा बछड़ा चरा लू बेटा आदि खा लू ली बेटा नीचे सो लू ली बेटा आदि खा लू ली बेटा नीचे सो लू ली बेटा काम कर लू ली रे ओ, अरे बेटा न्यारो मत हो कोई 65 साल की बूढ़ी मां से काम करवाना पसंद करेगा? कोई है ऐसा जो हाथ खड़ा करके कहे कि हाँ हमारी मां कितनी बूढ़ी है जाओ लेकिन बिना काम करना पड़े? नहीं कर सकते ना। लेकिन आज भी ऐसे बेटे मौजूद हैं, भले ही सभा में हाथ खड़ा नहीं करेंगे लेकिन वो ये भी नहीं करेंगे कि माँ बाप के साथ रह जाए। आज भी बहुत सारे जो अलग रहते हैं, माँ बोली है बेटा तू सागे राख देख थारी गायें चरा ले हूं, थारा बाछड़िया चरा ले हूं, मैं आधी खा लू नीचे ही सो लू और थारी बीनड़ी का आगे पूरा काम भी कर ले लेकिन तू थारे साथ राख। बेटे ने कहा कि बुढ़िया जाती है कि तुझे मैं धक्के मार के बाहर निकालू। बोलो इतना कहते ही माँ सावन भादवे की तरह रोने लग गई, उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लग गई, अपनी गांठड़ी उठाई और माँ रवाना हो गई। पीछे मुड़ के कहने लगी हे बेटा एक बार बोल दे तो सिर्फ एक बार, हे माँ तू वापस आई जा तुम्हारी ममता भर जाती है लेकिन तू तू नहीं समझोगे और अपनी माँ ने ही बाहर निकाल दियो। बेटे माँ की आत्मा कहने लगी है बेटा अरे माता पिता तो बेटा रे घर को है मांडन बेटा